चलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज है शादी मेरे दादा की, तो हम हो गए शादी में जाने के लिए तैयार। ये मैं और ये मेरे दोस्त जियाजी लोग। और दादी यार, पिंपल ना शादी के दिन ज्यादा बड़ा पिंपल हो गया मेरे को। चलो चलते हैं और दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर डांस करते करते मुझे याद आई, मैंने दवाई तो ली नहीं करके, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गाड़ी लगती है, तो दवाई ज़रूरी होता है भले कहीं भी जाऊँ। पहले ये बताओ, टोपी कैसी लग रही है? ये पापा से ले रखी है मैंने, उनका इधर दो, क्योंकि हमारे वहाँ ये टोपी डाली जाती है। मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, मैं मतलब जूते पहन के जा रहा हूँ, सच में लहंगे में नीचे जूते डाले कूटी तक, फिर कूटी की बात अपने लहंगे पहनूँ, क्योंकि रास्ता बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा बेकार रास्ता है। रास्ता तो मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी, आप बोलोगे कि भाई इस लहंगे में कैसे चल रही थी तू इस रास्ते में, बहुत खतरनाक रास्ता है भाई। मैंने जूते पहने अभी, हो जूते पहन के जा रही हूँ, संघर्ष ऐसे हो रहा है भाई, ये पकड़ के लहंगा। साढ़े नौ से ज्यादा हो गया है और बराती अभी नाचने में ही है, अभी इतना लंबा रास्ता तय करना है, पूरी ढलान है, फिर रात को वापस भी आना, इतनी खतरनाक चढ़ाई है और ये लोग अभी नाचने में ही है। इनका मतलब क्या ही बोलो यार, कल रात को ही पता कितने सोए, दो बजे तक तो डीजे ही बजने में था, ठीक है, फिर भी दौड़ी हुई है अभी भी। देखो ये अब आ रहे हैं, अब लग रहा है चलने वाला बाजा, अभी लग रहा है, अभी तक नहीं तो नाचने वाला ही बाजा था। मतलब जाना कहाँ है, रोड कहाँ है दिखाती हूँ आपको, इतने दूर जाना हमने नीचे, पूरे खतरनाक रास्ता है, यहाँ जाना हम लोगों ने, बताओ। तो गाइस, जिस रास्ते की मैं बात करती हूँ वो रास्ता ये है, ये देखो पूरा जंगल का रास्ता है, इसी रास्ते से जाना है, इसी रास्ते से आना है, संघर्ष बड़ा खतरनाक है। ये देखो बराती हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं और हम लोग ही हैं जो आगे जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, क्योंकि इन लोग के साथ संघर्ष नहीं हो पाएगा। मतलब चल भी नहीं पा रहे बिल्कुल, मेरे पेट में इतनी दर्द होगी ना चलने के उससे, फिर ढलान है ना एक तो पूरी एकदम से, तो कई आफत आ रही है। कई मेहनत करने के बाद हम पहुंचने वाले हैं नीचे नहर के पास, नहर से तो उसके बाद सीधे तिरछा तिरछा रास्ता है, अभी बड़ी खतरनाक वाला ढलान था ये, फिर रात को यही चढ़ाई चढ़नी है, थोड़ा बचा है, फिर उसके बाद गाड़ी में ही पहुँच जाएंगे। भाई साहब जो बाट लगी है ना, क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो गई है, पसीना पसीना हो गया पूरा, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग, सकल की भी वाट लग चुकी है मेरी। सच बताऊं तो मेरा ना इसमें नहाने का मन कर रहा है, चलो नहाते हैं, चलो चलो नहाते हैं, ये देखो ये। तो गाइस ये चढ़ाई थी, ये जो दिख रहा इससे भी ऊपर है, और यहाँ से हम आए हैं, दिख ही नहीं रहा कोई, ये देखो भाई साहब, और इतनी खतरनाक वाली चढ़ाई है ना, जब हम लोग पहुंच गए सिटी में, बहुत ही ज्यादा पसीना, हालत खराब, तो फिर सांस में सांस आ रही, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। तो अभी हमारी शादी जो है जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, गाड़ी में बैठ गए थे सभी लोग, बराती लोग, हम लोग भी गाड़ी में बैठ गए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सोच रही थी कि यार कि हर लड़की की ज़िंदगी में एक ना एक दिन ये दिन ज़रूर आता है करके खैर छोड़ो। और थोड़ी देर में दादा ने मंगाए थे हमारे लिए चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, पर हमने फुल में गाड़ी रोकी, यहाँ पर दादा का हमारा फोटो शूट। शादी ना बहुत लेट हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो दादा ने गाड़ी में ही मेरे लिए मंगाए थे चने। जे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे प्यार, और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, अरे तू तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
चेहरा चेहरा गलियों से मुस्कुराए। तो गाइस अभी हमारी शादी जो है रोड पर पहुंच चुकी है, यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई और है, सुबह से चढ़ाई फिर ढलान, चढ़ाई ढलान में ही लग गए हैं, तो अभी और है थोड़ी सी चढ़ाई। हेलो, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ, मैं हिमांशु मेहता। आज हमारे भांजे की शादी है, इतनी धूमधाम से हो रही है। यहाँ का नाम, यहाँ का नाम तो मुझे पता नहीं है, कौन सी जगह? सामा भराड़ी, हाँ, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। ये हमारी बेटी है। बस दोस्तों, प्राण चले जाए पर मेकअप ना जाए, सांद ना जाए, इसलिए सैंडल पकड़ के चला जा रहा है यहाँ पे। तो वैसे अभी हम लोग ना चाय पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक पी के पहुँच गए हैं गेट के पास, और यहाँ पर सालियाँ हमारी खड़ी हैं गेट में। मैं दिखाती हूँ, देखो आप। घर में बिठाल के अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बहुत ही ज्यादा भूख लग गई है। बहुत भूख लग गई। मेरी भाभी और उनकी बहन जो आ रही है, भाई जो हालत खराब हुई है ना यहाँ चलते चलते, और अभी बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। यहाँ लोगों का खाने का तरीका देखो आप, कैसे मतलब मस्त तरीके से ना हर एक खेत में बचे, उधर 1 2 3 4 चार खेत है, चारों खेतों में लोग अलग अलग बैठे हैं। वाह, मैंने पहली बार देखा ऐसा कुछ। यहाँ से ये मिला है, देखते इस पर कितना मनी है। 20 रुपए मिलेगा इस 20 रुपए। तो अभी खाना वाना खा के हो रहा है यहाँ पे हमारी भाभी का फोटो शूट। सात जनों सात वचन, सात फेरों को तेरो मेरो बंधन। हो सात जनम सात वचन। हम क्विटी से पहले आ गए दौड़ दौड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो सांदी वालों के साथ नहीं चल पाएंगे करके हम लोग पहले आ गए। और अभी यहाँ पर मैं भैया और भाभी के रूम में आई हूँ, यहाँ पर भाभी के लिए केक रखने के लिए, क्योंकि मैंने भाभी के लिए केक मंगाया था। तो
ਪਾਸੇ ਠਾੜੇ ਹੁਣ ਬਣੋ ਆ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਆ ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा सदाय नमो सतय रामाय राम भद्राय। माँ और पिता के समान है वो भी, क्योंकि उन्होंने भी 20 22 24 साल लड़की पाल के आपके अब घर में दे रखी है। वैसे ही आपको भी इस पूरी जिंदगी यहाँ निकालनी है, तो ये भी आपके मम्मी पापा हैं, ये हमारा आशीर्वाद हो। कभी भी हो बढ़िया करके रहना बेटा, खुशी सुखी संपन्न हंसते रहना, खुश रहोगे तो सब काम हो जाते हैं। हाँ अब इसको